अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। क्या दर्शकों, जय हिंद जय भारत। आशा करते हैं घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। इस समय मौजूद है हम लोग हरियाणा के जिला यमुनानगर से। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं थाना शहर यमुनानगर से। आप सभी को बता दें कि जिस तरह से कोरोना के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वहीं सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी और धीरे धीरे बाजारों को खोलना भी शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क है जरूरी, इस्तेमाल की तमाम हिदायतें आप लोग लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग खुद तो सुरक्षित होंगे ही और अपने आप को भी सुरक्षित रखने में और लोगों को सुरक्षित रखने में एक जो है आप मोटिवेशन के तौर पर काम करते हुए नजर आएंगे। आप सभी को बता दें कि इस समय मौजूद है हम लोग हरियाणा के जिले यमुनानगर में, जहां पर आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज पुलिस अधीक्षक, जी हां मैं बता दूं, पुलिस अधीक्षक कमलदीप गोयल यहां पर आएंगे और यहां पर आने के बाद शांति फाउंडेशन यमुनानगर की एक ऐसी फाउंडेशन है जिन्होंने हाथ धोकर हारेगा कोरोना नाम के एक जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत करी है, जिसके जो एम्बेसडर हैं वो खुद उन्होंने पुलिस अधीक्षक से कहा था कि वो प्लीज़ आएँ और उनके आग्रह पर वो आए हैं और कुछ ही लम्हों में वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जिस तरह से कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की जाएगी। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं यमुनानगर से और आगे के कुछ अंश हम आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, किस तरह से उन्होंने लोगों को समझाया है वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है, किस तरह से उन्होंने बताया कि फाउंडेशन किस तरह के काम करी। आप सभी तक ये जो जानकारी आप सभी तक पहुँचाने का कार्यक्रम करते रहेंगे। आप देख रहे हैं IBN 24 और आइए आगे की तस्वीरें आप सभी को दिखाने का प्रयास। कैसे बचाव होगा, आप सबको अभी समझाया गया था कि हमें कोरोना से कैसे बचना है, तो आज SP सर ने आप लोगों को इसलिए यहाँ बुलाया है कि जिससे वो थोड़ा सा आपको मास्क दे सके, सैनिटाइजर दे और आप लोग इससे कोरोना से बच पाएँ। ये महामारी हमारे बहुत सारे अपनों को लेकर गई है, तो हमें इस टाइम सिर्फ इससे बचना है और बचने के दो ही तरीके से बच सकते हैं। एक तो मास्क, और मास्क को डालना कैसे है, मास्क को नाक के ऐसे करके डालना है, लोग मास्क को ऐसे डालते हैं, कैसे बचेंगे हम, हमें बचना है, हमें बचने के लिए इसको पूरा नाक को अपना कवर करना है, ठीक है जी। और बाद थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथ, अपने बच्चों के हाथों को हमें धुलवाना है जिससे हम कोरोना से बच पाएंगे। और हम आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट विनती करते हैं कि किसी भी भाई को बहन को हमारी ज़रूरत हो, हमारा नंबर दिया है राशन की दवाई की, हम सब आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। और इस जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके बारे में अभी आपको भैया समझाएंगे, तो कृपया उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत बहुत मेहरबानी। नमस्कार भाइयों बहनों, जैसे आपको अभी मैंने पहले भी बताया है कि हम यहाँ किससे इकट्ठे हुए हैं, कई लोगों ने यहाँ राशन का कि हमें राशन की दिक्कत है, किसी ने बोला हमें ये चीज़ चाहिए, किसी को वो चीज़ चाहिए। आप भाई साहब खड़े हुए हैं सर, ये बोलते हैं कि हमारी अगर ज़िंदगी होगी हम वो तभी राशन यूज़ कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए आपकी ज़िंदगी है तभी आप वो राशन यूज़ कर पाएंगे, नहीं तो उस ब्रेड, उस मक्खन की कीमत वहीं पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाएगी और आप उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको जो यहाँ इकट्ठा करने का मकसद यही है, आपको बताया जाए कि आपकी जान की कीमत कितनी है आपके अपनों के लिए। ये छोटे छोटे 3-4 बच्चे बैठे, इनके माँ इनके बाप होंगे, ठीक है, उनके लिए ही हमने आपको यहाँ बुलाया है, आपको बताया है कि क्या ज़रूरत है मास्क की, क्या ज़रूरत है डेटॉल सिक्विड या कोई भी साबुन की, क्या ज़रूरत है उस एंटीसेप्टिक लिक्विड की, डेटॉल की, हाथ धोने की, इसलिए आपको बुलाया गया है। अब शांति फाउंडेशन के बारे में आपको बताऊंगा। शांति फाउंडेशन पिछले 3 साल से समाज की सेवा कर रही है। क्या क्या सेवाएं की है मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कोविड पेशेंट के लिए खाना, हमारे फ्रंट लाइनर्स जो भी पुलिसकर्मी जो भी ड्यूटी पे हैं उनके लिए खाना दिया जा रहा है। सर आपको बताने में बहुत मुझे खुशी हो रही है कि एक ज़रूरतमंद बाप की बिटिया थी जिसकी शादी भी हमने करवाई थी, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपनी बेटी को सामान नहीं दे पाते, जो भी ज़रूरी सामान होता है वो शांति फाउंडेशन ने मुहैया कराया। हमें बहुत आई फील प्राउड से बना से दिस, मैं बहुत गर्व से ये बोलना चाहता हूँ। तो आपको जो बुलाया गया है, SP साहब खुद यहाँ पर आए आपको बताने के लिए कि क्या महत्व है, क्या ज़रूरत है आपको मास्क की, क्या ज़रूरत है आपको हाथ धोने की और क्या ज़रूरत है आपको अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। ठीक है सर, मैं आई वुड लाइक यू टू हैव दिस प्रिया शांति फाउंडेशन के जो एक NGO है हमारे शहर की, उसके जितने भी मेंबर्स यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरे साथी पुलिसकर्मी, मीडिया के जितने ही बंधु,
भाइयों बहन, आप सब इस बात से तो आपको जानकारी होगी कि कोविड के बारे में आप सबको पता है, बीमारी के बारे में जो महामारी फैली हुई है, पता आपको, आप लोगों को पता है, आपको तो यहाँ टेंट लगा के बैठते हो ना, आप लोग सामान बेचते रहते हो, सबको पता है क्या है, कोई बताएगा थोड़ा बहुत क्या ये बीमारी है, कैसे फैलती है, इसके बचाव के लिए क्या करें, जो बताएगा उसको हम शाबाशी देंगे इनाम। नहीं वो नहीं पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ कोविड के बारे में आपको क्या पता है, चलिए ये बताइए कि कोविड की जो बीमारी है उसके लक्षण क्या है, कोई बताएगा मतलब आपके शरीर में क्या, आप बैठ जाइए, आप बताइए माता जी, आप बताइए। हमारे से तो अभी तो अभी तक किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हुई, वो मैंने मान लिया, अच्छी बात है नहीं हुई तो। लक्षण क्या है मतलब आपके शरीर में क्या दिक्कत आई कि अगर कोविड हुआ, अभी जो आप लोगों को बताया था वो अभी सर वही पूछे, बताइए क्या क्या बताया था मतलब। आपको अगर लक्षण पता होगे तभी तो आप डॉक्टर के पास जाओ, शरीर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जुकाम हो गया, नजला हो गया, तो बेड नहीं करना, तुरंत डॉक्टर। हाँ मतलब आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है, आपके शरीर में दर्द है, सर दर्द है, आपको सांस लेने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको कोविड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोविड ही हो। पहले तो 10 दिन भी बुखार के पड़े रहे थे, दो हाँ। तो अगर आपको ऐसा कोई लक्षण हो तो आपको अपनी जांच करवानी, डॉक्टर के पास जाके, सरकारी अस्पताल में भी आप टेस्ट करवा सकते हो, प्राइवेट भी करा सकते हो, सरकारी में आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा इस टेस्ट का। और अगर आपको बीमारी है, ठीक है, दो तरह का टेस्ट होता है, एक टेस्ट की रिपोर्ट तो उसी टाइम आ जाती है, एक टेस्ट है जिसकी जो ज्यादा बढ़िया टेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, उसकी रिपोर्ट थोड़ा सा 24 घंटे में, तो अगर आपको बीमारी डॉक्टर बताता है तो फिर आप डॉक्टर के अनुसार आपने अपना इलाज करवाना। लेकिन इसमें जो इलाज तो आप अपना करोगे, लेकिन आप इस बीमारी से दूसरे कैसे बचे ये आपको ध्यान में रखना, आपको तो बीमारी होगी, अब आपसे आपके परिवार के दूसरे सदस्यों को ना हो, ये बहुत जरूरी है। तो आप लोग क्या, जैसे आप लोग टेंट बना के बाहर रहते हो, तो किसी को बीमारी हो जाए तो फिर उसको एक टेंट में अलग से रखना, उसको खाना वाना भी बाहर से ही देना और उसको किसी से मिलने नहीं देना। तो ये जो प्रिया शांति फाउंडेशन, जो हमारे शहर की एक संस्था है, एनजीओ जिसको कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने पिछले साल भी जब 2020 में कोविड पहले आया था, या अब जब 2021 में जो सेकंड वेव आई है, तो ये समाज के इस कोविड की बीमारी से लड़ने में एक तरह से सरकार की मदद करते हैं। तो इसमें ये चाहे वो आप जैसे कोई ज़रूरतमंद है, क्योंकि कोविड में कई बार जो लॉकडाउन पीछे लगा तो कई बार लोगों के काम धंधे थोड़ा सा बंद हो जाते हैं, तो उस समय अगर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत हो कोई दवाई की, कोई राशन की, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो, तो ये लोग उसमें समाज की हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो ये काम है कि इसमें समाज में जागरूकता फैलाना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों के परिवार में किसी को कोविड हुआ है या होके ठीक हो गया, आप लोगों को पता ही नहीं चला, ऐसा भी नहीं हुआ, डॉक्टर के दवाई लेते हैं सब कोई, जो जिसको सर्दी जुकाम हो जाते हैं चेक करवाते हैं, वहाँ से बोलते हैं भाई कोई बुखार नहीं है, कोई बीमार। हाँ मतलब आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, अगर कोविड आपके परिवार में मतलब कोई भी लक्षण आए तो उसको ये नहीं लेना कि ये तो नॉर्मल बुखार है, तो ये बुखार, ये जो बीमारी है, ये कई बार एकदम से फेफड़ों में अटैक करती है और उसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो आप लोगों के परिवार में अभी किसी को ऐसा कुछ हुआ नहीं, चलो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आप
आप मोबाइल यूज करते हैं? आप करती हैं? व्हाट्सएप है आपके? व्हाट्सएप यूज करती हैं? कोई है ऐसा जो व्हाट्सएप यूज करता हो? बच्चे हैं एक, मतलब कोई ना कोई आपके परिवार में ऐसा है जिसको व्हाट्सएप या फेसबुक, जिसको सोशल मीडिया हम कहते हैं, तो उससे आपको कोविड के बारे में जानकारी मिलती रहती होगी कि कोविड क्या है, कैसे इससे बचे, कैसे फैलता है, उसकी जानकारी आप लोगों को वो जो रिंगटोन करते हैं, चलो वो तो बताते ही हैं। टीवी में भी देखते, चलो मेरे को बड़ी खुशी हुई इस बात की कि आप लोगों को काफ़ी पता है। और मैं ये भी देखता हूँ कि आप जो लॉकडाउन के नियम है कि आपने इतने बजे अपनी दुकान बंद करनी है इतने बजे, तो जो ये टेंट लगा के आप लोग अपना जो भी सामान बेचते हैं, क्रोकरी का भी बेचते हैं मैंने देखा, और